CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इस कहावत पर आधारित है, दूर के ढोल सुहावने। बच्चों, कुछ चीजें दूर से देखने पर बहुत अच्छी लगती हैं, पर उन्हीं को अगर पास जाकर देखें तो वे उतनी अच्छी नहीं लगती, है ना? अब भाई हाथी को ही ले लें। हाथी दूर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है, पर पास से देखने पर वो उतना अच्छा नहीं लगता। उसकी खाल सुंदर नहीं होती जितनी सुंदर तस्वीर में लगती है या दूर से देखने पर लगती है। अब भाई पास से देखने में हाथी की खाल बड़ी गंदी सी लगती है। असल में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। भाई अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक थी लोमड़ी छोटी सी, पूंछ थी उसकी मोटी सी, जंगल में फल खाती थी, दिन भर मौज उड़ाती थी। बच्चों, लोमड़ी के घर से बहुत दूर एक पहाड़ था। लोमड़ी रोज उसे देखती और सोचती, दूर पहाड़ खड़ा है जो, कितना सुंदर होगा वो, कैसे उस तक जाऊं मैं, उसे देखकर आऊं मैं। जो कोई लोमड़ी के पास आता वो उससे यही पूछती। एक दिन लोमड़ी पेड़ पर बैठी पहाड़ को ही देख रही थी, तभी एक कौवा आया। लोमड़ी ने पहले कभी ऐसा कौवा देखा ही न था। उसने मन ही मन कहा, कौवा है ये, बड़ा निराला, रंग है इसका कितना काला, दिखता है ये छोटा सा, पर है कितना मोटा सा। फिर लोमड़ी ने कौवे से पूछा, तुम हो कौन बताओ तो, अपना हाल सुनाओ तो, कहते हो शायद उस पार, देखा तुमको पहली बार। कां कां, रहता हूँ जंगल के पास, आया हूँ मैं पहली बार, दूर पहाड़ खड़ा है जो, रहता हूँ उस पर ही तो, कां कां, जंगल देखा करता था, मन में सोचा करता था, होगा ये कितना सुंदर, देखूंगा एक दिन जाकर, कां कां। पसंद आया हमारा जंगल, कां कां, ठीक है, तुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, सोचता था चारों ओर हरा ही हरा है वहाँ, बड़ा सुंदर लगता था, लेकिन लेकिन क्या, कां कां, जब यहाँ आया तो उतना अच्छा नहीं लगा, ये झाड़ झंखाड़, ये कांटे। लोमड़ी कौवे को सारा जंगल दिखाने ले गई। रास्ते में उसे खरगोश मिला। खरगोश ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी आओ इधर, कहाँ चली हो सजी धजी कर, साथ है कौन बताओ तो, इसका हाल सुनाओ तो। अरे खरगोश जी, ये कौवा है, रहता है जंगल के पास, आया है ये पहली बार, दूर पहाड़ खड़ा है जो, रहता है उस पर ही तो।
खरगोश ने जब ये सुना तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, दूर पहाड़ खड़ा है जो, कितना सुंदर होगा वो, मैं भी उस तक जाऊंगा, उसे देख कर आऊंगा। खरगोश भी लोमड़ी के साथ चल दिया और कौवे को घुमाने लगा। कौवे ने सारा जंगल देखा। रास्ते में उसे एक तोता मिला। तोते ने भी वही पूछा और जब उसे पता चला कि कौवा पहाड़ पर रहता है तो उसे भी बड़ी खुशी हुई। वो भी उनके साथ चल दिया। तीनों ने कौवे को सारा जंगल दिखाया। शाम को सबने एक साथ खाना खाया। अगले दिन सुबह कौवे ने कहा, काँ, काँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम मेरे पहाड़ को देखने जरूर आना, काँ, काँ। जब भी तुम सब आओगे मुझे वहाँ पर पाओगे, सारी जगह दिखाऊंगा, खाना तुम्हें खिलाऊंगा, काँ, काँ। अब तो खरगोश, लोमड़ी और तोता पहाड़ पर जाने के लिए बेचैन हो गए। इसी तरह तीन दिन बीत गए। चौथे दिन सुबह चारों पहाड़ की ओर चल दिए। वो चलते गए, चलते गए, चलते चलते उन्हें रात हो गई। पहाड़ अब भी बहुत दूर था। वो चारों एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर चलना शुरू किया और चलते चलते उन्हें शाम हो गई। शाम को वे पहाड़ के बिल्कुल पास पहुंच गए। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अरे यहाँ तो कंकर, पत्थर और मिट्टी ही मिट्टी है, ये तो जरा भी सुंदर नहीं है। सामने ही उन्हें कौवा दिखाई दिया। वो उन्हें अपने साथ ले गया। कौवे को बड़ी खुशी हुई। चारों बड़े थके थे। रात को जल्दी सो गए। सुबह वे पहाड़ पर घूमने गए। ये पहाड़ मिट्टी, रेत, कंकड़ और पत्थर का था। चारों को वो उतना सुंदर नहीं लगा जितना सुंदर दूर से देखने से लगता था। दूर से बैठे बैठे वे पहाड़ के बारे में सोचते रहते थे कि वो पहाड़ चिकना होगा, उसका रंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोमड़ी से कौवे ने पूछा, काँ, काँ, कैसा लगा हमारा पहाड़? ठीक है, दूर से तो बड़ा सुंदर लगता था, असल में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, काँ, काँ। अगले दिन चारों जंगल की ओर चल दिए। अब जोन से पूछता, कैसा था पहाड़? तब वे गा गा कर कहते, कोई माने या ना माने, दूर के ढोल बड़े सुहाने, कोई माने या ना माने, दूर के ढोल बड़े सुहाने, खुल गई पोल भाई, खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल, खुल गई पोल भाई, खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल। कहानी तो भई खत्म हुई। अब जरा तुम भी गाओ, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, दूर के ढोल बड़े सुहाने, दूर के ढोल बड़े सुहाने, खुल गई पोल भाई, खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल। खुल गई पोल भाई, खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल, खुल गई पोल भाई, खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था बब्बू। बब्बू के पिताजी जब भी खेत पर हल चलाने जाते, बब्बू सोचता कि वो भी अपने पिताजी के साथ खेत पर जाए
तो कितना अच्छा हो। मगर उसके पिताजी मना करते थे, उसे खेत पर नहीं ले जाते। एक दिन बब्बू अड़ गया, जिद करने लगा कि मैं भी खेत पर चलूंगा। उसके पिताजी उसे अपने साथ ले गए। उस दिन उन्हें बाजरा काटना था। बब्बू तो खुशी के मारे नाच रहा था। उसके पिताजी बोले, बेटा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जरा खेत पर चलकर देखो तब पता चलेगा। बब्बू पिताजी की बात समझा ही नहीं। वो खेत पर गया और पिताजी से बोला, बाजरा कटवाऊंगा, मैं भी हाथ बटाऊंगा। ये कहकर बब्बू बाजरा काटने लगा। थोड़ी ही देर में उसे पसीना आ गया, उसकी सांस फूलने लगी, वो थककर बैठ गया। उसके पिताजी ने उसे देखा तो हंसे और बोले, काट बाजरा बब्बू बेटा, एक तरफ तू क्यों है बैठा? कहता था कटवाऊंगा, मैं भी हाथ बटाऊंगा। बब्बू सोचने लगा, पिताजी ठीक कहते थे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं तो सोचता था खेत पर काम करने में बड़ा मजा आता है, मगर यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आने लगता है, सांस फूल जाती है। बच्चों, बब्बू के पिताजी उससे काम थोड़े ही करवाना चाहते थे। वो तो उसे इसीलिए लाए थे कि बब्बू ये समझ सके कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बब्बू समझ गया तो पिताजी बोले, बब्बू बेटा कर आराम, थोड़ी देर में होगी शाम, काट बाजरा लूं कुछ और फिर चलेंगे घर की ओर। अब तो बेटा खुल गई पोल, बड़े सुहाने दूर के ढोल। बच्चों, अब तो बब्बू की समझ में आ गई ये बात। तुम्हारी समझ में इसका मतलब आ गया ना? भला बताओ तो किसका? हाँ, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कोई माने या ना माने, दूर के ढोल बड़े सुहाने। कोई माने या ना माने, दूर के ढोल बड़े सुहाने। दूर के ढोल सुहावने का मतलब है कि कुछ चीजें दूर से अच्छी लगती हैं, पर जब उन्हें पास से देखें तो उतनी अच्छी नहीं लगती, है ना? कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो चीज तुम्हें प्राप्त नहीं हुई वो बहुत ही अच्छी लगती है, और जब वो प्राप्त हो जाती है या उसकी असलियत मालूम होती है तो वही चीज उतनी अच्छी नहीं लगती। क्यों? ठीक है ना? समझ में आ गई बात? प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।